हेलो नमस्ते, आज हम मशरूम चिली बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर ली है। अभी यहाँ पर 3 चम्मच मैदा डाल देंगे और ये मैंने मशरूम को अच्छे से धो के 3-4 बार धो के 2 बड़े साइज़ करके काटी हुई है। 20 से 2 बनाए हुई है, ज़्यादा छोटा नहीं बनाना होता है। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पानी डाल के इसको घोल बनाएंगे। ऐसे करके मिक्स करनी है, बिल्कुल स्मूथ बटर बनाना है इसको, ज़्यादा पतला नहीं, ज़्यादा मोटा भी नहीं। अभी मैं दिखा रही हूँ आपको कैसे बनानी है। ये देखिए, इस तरह से बनानी है, ये देख सकते हैं। थोड़ा मोटा भी नहीं, थोड़ा पतला भी नहीं, मीडियम करना है। ये देखिए, इस तरह करके रख दे। अभी मशरूम को लेके यहाँ पे डिप करनी है। आप इस तरह भी कर सकते हैं, इसको डिप करके प्लेट में रखने के बाद फिर तेल में डाल सकते हैं। इस तरह ऐसे फुल कवर करना है इसको, मशरूम को फुल कवर करके प्लेट में रखनी है। क्योंकि प्लेट में रखने के बाद ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते क्योंकि चिपक जाते हैं प्लेट में। इस तरह करके थोड़ा जल्दी जल्दी करना होता है। और इस तरह से नहीं, उन्हीं से भी ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, तेल के सामने खड़े हो जाओ, उसके बाद तेल में डालते रहना है डिप करके। इस तरह थोड़ा ध्यान से डालना होता है। ये देखिए, इस तरह करके डिप करो और तेल में डाल दो। अभी हाई फ्लेम नहीं करनी है, अच्छे से तेल को गर्म होने के बाद ही डालना है। ऐसे करके डालते जाना है, इसको अच्छे से फ्राई होने देने है। 2 मिनट ऐसे लो फ्लेम में रख देना है, उसके बाद थोड़ी सी फ्लेम को मीडियम फ्लेम करके छोड़ देनी है। ये देखिए, अब इसको धीरे धीरे से इसको हटाना होता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा चिपक जाते हैं। देखिए, सब चिपक गया, डरना नहीं है चिपकने से भी, धीरे धीरे करके निकल जाते हैं। ये देखिए, और मशरूम को अच्छे से पकाना होता है क्योंकि हम ये मशरूम चिली बना रही है, बाद में तो इसको सॉस में सिर्फ डिप करके निकालनी है, इसलिए तेल में अच्छे से फ्राई करना होता है। अभी यहाँ पर मीडियम फ्लेम करके 5 मिनट तक इसको फ्राई करना है, अच्छे से ब्राउन होने तक फ्राई करना होता है, तभी क्रंची बनेंगे। ज़्यादा हाई फ्लेम करने से ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे, अंदर पकेंगे नहीं मशरूम, इसलिए लो फ्लेम करके ही इसको ड्राई करना है, अच्छे से पकाना है। ऐसे अलट पलट करते रहना है इसको, ऐसे करके पकानी है। अभी देखिए, ब्राउन हो रही है ना धीरे धीरे, ये देखिए। अभी इस तरह करनी है, बस फ्राई हो गया, अच्छे से ब्राउन भी हो गए, क्रंचीपन भी आ रही है। ये देखिए, थोड़ा चिपक जाते हैं, इसको ऐसे आराम से खुल जाएंगे। देखिए, पूरा फ्राई हो गया, देखिए कितने अच्छे कलर आ रहे हैं, ब्राउन हो गया पूरा, ये देख लीजिए। ये इस तरह होना चाहिए, तभी क्रंचीपन होंगे। ज़रूर कॉर्नफ्लोर डालना, कॉर्नफ्लोर डालने से थोड़ा क्रंचीपन आते हैं, और मैदा भी ज़रूर डालना। तेल से सब बाहर निकलते हैं अभी, और ये तेल थोड़ा कम करके इस कढ़ाई में बना लेंगे। मैंने यहाँ पे हरी मिर्च काटी हुई है और अदरक लहसुन चॉप की हुई है, इस सब पे डाल दिया। थोड़ा ब्राउन होने देना है इसको, अभी फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ी सी मैंने चॉप किया हुआ प्याज डाली हुई है, थोड़ा ग्रेवी बनेंगे। अभी ये बड़ा बड़ा करके प्याज डाली हुई है, इसको भी फ्राई करेंगे। अभी यहाँ पर शिमला मिर्च भी डाल देंगे, थोड़ा बड़े बड़े पीस ली है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, ऐसे थोड़ा क्रंचीपन रखनी है। शिमला मिर्च और ये बड़ी प्याज, ये देखिए सॉफ्ट हो गया, देख लीजिए। अभी यहाँ पे थोड़ा सा पानी डालनी है, यहाँ पर पानी डालने पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे सॉस पकने देनी है। सॉस डालेंगे अभी, ये थोड़ा उबल आने तक पकाएंगे इसको। ये देखिए, पानी उबल रही है अभी,
अभी इस टाइम हमें यहाँ पर सॉस डालनी है। अभी डालेंगे यहाँ पर सोया सॉस 1 चम्मच और विनेगर डालेंगे 1.5 स्पून। अभी ग्रीन सॉस डालेंगे 1 चम्मच। ऐसे डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। सॉस को थोड़ा पकने देंगे। अभी यहाँ पर डालते हैं सेजवान सॉस। आप सेजवान सॉस नहीं डालने हैं तो कोई नहीं, आप यहाँ पर टमेटो केचप भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अभी अच्छे से मिक्स करेंगे। आप सेजवान सॉस नहीं है तो कोई नहीं, टमेटो केचप से भी बना सकते हैं। और आप यहाँ पे सेजवान सॉस डाल के टमेटो सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। और अभी स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। इसको अच्छे से पकाएंगे। ये देखिए कलर भी कितने अच्छे आ रही है, खुशबू भी बहुत मीठी सी आ रही है। अभी यहाँ पर कॉर्नफ्लोर 1 चम्मच मैंने पानी में घोल के ऐसे डाल देंगे। ये डालना ज़रूरी है क्योंकि ग्रेवी थोड़ा थिक बनेंगे। ये देख लीजिए, डालने के बाद ऐसे मिक्स करनी है अच्छे से। देखिए ग्रेवी मोटा बन गए। ये देख लीजिए ग्रेवी अच्छे से बन के आ गई है। अभी यहाँ पर मशरूम फ्राई किया हुआ डाल देंगे। ये देखिए पूरा क्रंची हो रखी है मशरूम। अभी इस टाइम पर यहाँ पे डाल के अच्छे से मिक्स कर देनी है। आप एक बार ज़रूर बना के खाइए, ये रेसिपी बहुत टेस्टी बहुत यम्मी है। क्यों बाहर रेस्टोरेंट में जाके इतने पैसा दे के खानी है, घर पे भी खुद बना के खा सकते हैं। एक बार ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी बनेंगे। इस तरह करके मिक्स कर देंगे अच्छे से। ये देखिए कितने अच्छे लग रही है देखने में भी, और पूरी क्रंची रहेगी मशरूम। इस तरह करके अभी सर्व कर लेंगे। ये देखिए आपको दिखा रही हूँ मैं, कितने अच्छे से ग्रेवी पूरी तरह से लगी हुई है मशरूम पे, बना के रेडी हो गई। ये देखिए इसका ऊपर से स्प्रिंग ऑनियन डाल देना और बस गर्मा गर्म चिली मशरूम खा लीजिए। ये देखिए मैं एक पीस दिखा रही हूँ आपको, अंदर इतना सॉफ्ट बनी है और बाहर इतनी क्रंची, पूरा ग्रेवी से भर दिया है मशरूम को। मेरे चैनल पे पहली बार देख रहे हो आप तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिए। ऐसे वीडियो लेके मैं आती रहूँगी। आपका प्यार आपका सपोर्ट बनाए रखे मेरे चैनल पे। ऐसे बना के आप भी खाइए, बहुत टेस्टी बहुत यम्मी है। एक बार आप बच्चों को भी खिलाइए, फैमिली को भी खिलाइए, बहुत पसंद आएंगे। और मैं नया रेसिपी के साथ फिर आऊँगी। मेरे चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आपका प्यार हमेशा बनाए के रखना।